मिनट पंडित जी, फेरों को उल्टा लगाइए, ये शादी नहीं हो सकती। सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। शादी ब्याह के मामले में छोटी छोटी बातों पर लड़के और लड़की वालों के बीच मतभेद एक आम बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में हो रही शादी में ऐसा क्या हुआ कि लड़के के पिता ने फेरों के दौरान अचानक शादी रोकने का ऐलान कर दिया। शादी जैसे शुभ काम में तो टोकना भी अशुभ माना जाता है, फिर यहाँ ऐसा क्या हो गया कि शादी की रस्में इस तरह से रोक दी गई और दो लोगों की नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही थम गई। आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। नमस्ते अंकल जी, कहाँ थे तुम लोग यार, घड़ी देखिए। सॉरी अंकल जी, वो रास्ते के लिए कुछ सामान ले रहे थे, चक्कर में लेट हो गए। अरे यार, तुम लोगों के सामान के चक्कर में बारात लेट हो रही है। हाँ। और देखो बस भी भर चुकी है, चलो अंदर। हाँ, पीछे वाली सीट पर जम जाना। चल भाई चलो। बाबा का फोन है। जी बाबा। अरे यार, तुम लोगों को फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगती है? जी वो शोर की वजह से ठीक से सुनाई नहीं दिया। शोर तक ही रहियो बेटा, शादी की खुशी में ज्यादा भाग मत जाना। जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अच्छा, सब लोग आ गए? और वो संदीप और राहुल? हाँ अभी आए हैं, उन्हीं के चक्कर में तो देर हो गई। तुम्हारे दोस्त नहीं होते ना? तो ये छोड़ देता लौंडों को। अच्छा चल, ध्यान रखना अपना। सुन। जी बाबा। ड्राइवर को बोलना कि कार बस के साथ ही रखे। जी बाबा। चलो ड्राइवर। सुनो, बस को कार के साथ साथ रखना। चलो। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है अहमान, कहीं बस रुकवाओ ना, चाय वाय पी लेते हैं। अरे जीजा जी, कड़ाके की ठंड में चाय से अपना कुछ नहीं होने वाला। अरे हमको तो कुछ और चाहिए, वैसे भी पहुंचने में एक आध घंटा लगेगा। क्या हाल है शेख चिल्लियों, सब मजे में तो है ना? अंकल बढ़िया। बेटा वो ठंड से बचने के लिए कुछ कंबल मंबल लाए हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल अंकल, आपको चाहिए? देखो बेटा, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, उसके हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। क्या हमें नहीं मालूम कि रास्ते के लिए कौन सा जरूरी सामान लाने में देर हुई? अरे अंकल सर छोड़ो, ये बताओ बेटा लाए क्या हो? रम रम लेके आए अंकल। हम निकालो। जी बाबा। मेरी बात ध्यान से सुनो, लड़की वालों ने स्वागत द्वार लगाया होगा जन्माष्टमी का पहले, वहाँ पहुँच कर रुक जाना, अंदर मत चले जाना। लड़की के बाप से पहले हिसाब किताब कर लो। जी। अगर सारा हिसाब किताब सही रहा ना, तो मैं इशारा करूँगा तो तू अंदर जाना, समझा? जी समझ गया। चल ठीक है। कमाल की लड़की है यार। क्यों, लगती है ना एकदम हीरोइन? कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल दिलवाले दुल्हनिया की काजोल लग रही है। मन तो कर रहा है कि तुझे अभी उठा के ले जाऊं और शादी कर। अच्छा फिर क्या? सुहाग रात है। छोड़ो, तुम्हारा बस चले तो शादी तक का भी वेट ना करो। हाँ तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकता। अच्छा चलो तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं जा। किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो? कौन देखेगा? तुम जाओ ना। अच्छा ठीक है। मालिनी दी, आप? तुमने मेरी शादी का जोड़ा क्यों पहना हुआ है? वो बचपन से लेके आज तक आपकी हर चीज पे अपना हक माना है ना मैंने।
तो मैंने सोचा कि एक आखिरी बार ये जोड़ा भी पहन के देख लूं, फिर पता नहीं कब मौका मिले। आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा होता। ये मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन तुझे से कोई देख लेगा ना तो बवाल मच जाएगा। समझी, अब जा जल्दी से चेंज कर और मुझे भी तो रेडी होना है। बाबूजी ना वहाँ पता है कितनी टेंशन ले रहे हैं। जा जल्दी से। मैं अभी चेंज करती हूँ। अच्छा सुन, वो भाई साहब आने वाले थे, अभी तक आए नहीं, कुछ पता चला क्या उनका? पता नहीं दी, मैं चेंज करके आती हूँ। सुनो, भाई साहब आ गए क्या? नहीं आए। ताज्जुब है, अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे फेरों से पहले। अच्छा वो जो मैंने तुम्हें दहेज का सामान चेक करने को कहा था वो किया तुमने? या। ध्यान रखना, भाई साहब को इस दहेज के सामान के चक्कर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो बहुत गुस्सा होंगे, समझे तुम? मालूम है, तुम और तुम्हारे भाई साहब दोनों। अच्छा ठीक है, मैं जरा खाने वाले की पेमेंट करके आता हूँ। अरे ड्राइवर, अरे जरा गाड़ी साइड में रोकना। तो आइए जी, चलिए। सब ठीक से आ गया ना? ये राहुल कहाँ रह गया? अरे राहुल जल्दी आ बेटा। सुन बेटा, एक काम कर। हाँ जी। तू यहीं रहना। हाँ। सारे बारातियों का ख्याल रखना। ठीक है। और हाँ, जब तक हम ना बोलें तब तक किसी को सामान मत उतारने देना, ठीक है? राजेश यहीं रुकना, मेरे पीछे आने की जरूरत ना है, ठीक है? जी। आई जी, आई जी, देखते हैं कि बारातियों के लिए इंतजाम बात क्या किया। हेमंत ऐसा करो, माँ जी को भी साथ ले लो। अब हट। चलो। अरे क्यों मुंह लटका रहे हो भैया, क्या हो गया? अरे काहे चिढ़ा रहे हो भैया बेचारे को, है? सब ठीक ही लग रहा है। क्यों जीजा जी? हाँ हेमंत, गैस तो ठीक ही लग रहे हैं, नोट भी कड़क है। पूरे 6 लाख हैं, आज सुबह ही बैंक से निकलवाएं, जो बात तय हुई थी। और समधी साहब जेवर? 4 लाख के हैं। बाकी तो सब लेन देन का सामान है, हमें तो सिर्फ कैश और जेवर चेक करना था। चलिए, ये औपचारिकता भी पूरी हो। अब ऐसा कीजिए, समधी साहब की बारात तो आ चुकी है, तो बारातियों के लिए थोड़ा सा नाश्ता बस में भिजवा दीजिए, बाकी हम लोग नाश्ते गाते ढोल बजाते निकल लेंगे। जी जी बिल्कुल, वो भी इंतजाम कर देंगे। ठीक है चले। तो लेकिन एक बात मैं सोच रहा था समधी जी, देखिए जब हम लोग बारात लेकर के निकलेंगे तो नाचने गाने में 1-2 घंटा लग जाएगा। ऐसा क्यों ना करें कि अम्मा को यही कमरे में सामान के पास बिठाए। ठीक है। अरे अम्मा, अम्मा, ऐसा है अम्मा कि हम लोग मुन्नू की बारात को लेने जा रहे हैं, तू यही बैठ करके सारा सामान पर नजर रखियो, ठीक है? चले। ठीक है अम्मा, अपना ख्याल रखियो। चलिए समझी जी। सुन प्रमोद, भाई साहब को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, फेरे होते ही सारे सामान बस में चढ़वा देना, और हो सके ना तो समधी जी को बुला के एक बार फिर से दिखवा देना। बहुत लालची आदमी है वो, और क्या करें, समाज में अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं। बापू आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। आ चलते हैं। अरे क्या समधी जी, अगर शगुन के लड़का उतारिएगा। हाँ हाँ हा, एक मिनट। अरे ये क्या है समधी जी, 500 का नोट? समधी जी शगुन की बात कर रहे हैं, हम लोग बेटा दे रहे हैं आपको। आप ही बता जाइए कैसा शगुन चाहिए। समधी जी छोटी छोटी बात, अब देखिए ऐसा है ना कि आपके जो जवाई राजा है हड़बड़ी में घड़ी पहनना भूल गए,
बस कुछ नहीं, एक छोटी सी गाड़ी मंगवा दीजिए, लड़का उतरवा देता है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, घड़ी की बात तय रही, अभी एक घंटे में प्रमोद ला देगा, आगे की रस्म पूरी करें। उतारिए उतारिए उतारिए, हाँ। लड़का उतार लीजिए। हे भगवान, इनकी मांगे तो बढ़ती जा रही है। दहेज हमारे समाज की एक कड़वी हकीकत है और पिछले दसियों सालों में लगातार कोशिश के बावजूद इस प्रथा पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत दहेज लेना ही नहीं, देना भी उतना ही बड़ा अपराध है, जिसके लिए 5 साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। यही नहीं, शादी के 7 साल के अंदर अगर लड़की के साथ किसी भी तरह का अत्याचार होता है या फिर पैसों और सामान की मांग की जाती है तो ये दहेज कानून के तहत आता है। NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार साल 2001 में दहेज के कारण हुई हत्याओं के करीब 6,581 मामले दर्ज हुए, जो साल 2006 में बढ़कर 7,618 हुए और यही आंकड़ा साल 2012 में और बढ़कर 8,233 हो गया। अफसोस कि सख्त कानूनों के बावजूद हमारे समाज में यही कुप्रथा खुलेआम जारी है। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि लड़के वालों की लालच और मांगों की हद थी भी या नहीं। अरे रुको बेटा, बहुत जल्दी है ससुराल का खाना खाने की। अरे इतना भी नहीं पता है कि खाना खाने से पहले शगुन लेना पड़ता है भाई। शगुन? किस बात का शगुन? देखते हैं ये समधी जी कहाँ गए। अरे समधी जी, जवाई पहली बार ससुराल का खाना खा रहा है तो शगुन तो बनता ही है ना। आप जो बेहतर समझे। फटफटिया आप दे रहे तो चढ़ेगा कौन उस पर, आपको बेटी और दामाद है ना, तो मेरा क्या होगा, हमको तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात बताइए, कल कोई लोगों को बच्चा होता है और ठंड में ठिठुरेगा, धूप में तपेगा और पानी में भीगेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या है? इसलिए एक जी बस मैं एक मिनट में आया। जरूर जरूर, अरे हमें कौन से जल्दी है अपना बेटा आपको सौंपने की, बस ध्यान रखिएगा कि मुहूर्त न निकल जाए। मुझे अच्छी तरह याद है, गाड़ी की कोई बात नहीं हुई थी पहले, और सब लोगों के सामने मैं मना भी कैसे करूं, ये तो कुछ समझ में नहीं आता। बाबूजी माफ करना छोटे मुंह बड़ी बात, पर मीना की शादी के लिए जो रुपए आपने बचा के रखे हैं वो भी मालिनी की शादी में डाल दीजिए, इन लोगों का तो मुंह बंद होते हुए नजर ही नहीं आ रहा। प्रमोद बेटा तेरा क्या ख्याल? फिलहाल पहले जो जरूरी है वही करना ही बेहतर है, बाकी आपको इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि कैसे क्या करना है, बस आप निश्चिंत रहिए, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। अरे ठीक है समझी जी, छोटी ही सही लेकिन गाड़ी तो है ना भाई, बस एक बात का ध्यान रखिए कि सुबह होते ही सबसे पहले बुकिंग करवा लीजिएगा। आइए, अरे आइए खाना खाते हैं, चलिए आइए आइए बैठिए, चलो भाई, अरे खाओ 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 बेटा, खिलाओ बहू खिलाओ। सुन लो तुम लोग अच्छे से, हमें ना किसी भी तरह लड़के वालों से जूते चुरा के ही लाने। क्या कर रहे हो तुम? कब से तुझे बात करने के लिए ढूंढ रहा हूँ, और तू यहाँ मजे कर रही है, और वहाँ तेरा बाप अपने सारे जमा किए हुए पैसे तेरे जीजे पे लुटा रहा है, और तेरा भाई, अरे वो तो खुद को हीरो समझ रहा है, कह रहा है मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये
कि तूने मुझे यहाँ वेटर बनवा के बुला तो लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें तो अपनी शादी के लिए सिर्फ वेट करना पड़ेगा। अरे वहां तेरा मजबूर बेचारा बाप तेरी शादी के लिए जमा के हुए पैसे भी तेरे जीजे पे लुटा रहा है। मुझे नहीं लगता अब हमारी शादी जल्दी हो पाएगी। क्या क्या बात कर रहे हो फिर? अच्छा सुन, देख ये जूते छोड़ और कुछ बड़ा सोच। बड़ा? ये तो सारी जिंदगी ना ऐसी कुंवारी रह जाएगी, समझी? कुछ लाओ। अब ये कोई समय है इन सब बातों के लिए? अब इसमें इतनी रोने वाली क्या बात है? नहीं फूटी हुई किस्मत पे रो रही हो? अरे मुझसे अच्छी किस्मत तो आपकी बहन की है, अपने हिस्से का दहेज तो ले ही जा रही है, ऊपर से मीना के हिस्से का भी दहेज ले जा रही, और मैं यहाँ आपके अम्मा के पुराने जेवरात में अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। देख लेना ये शादी जब हो जाएगी ना तो इतने भी पैसे नहीं बचेंगे कि मेरे लिए एक छोटा सा हार बनवा के दे सको। बस इतनी सी बात? जरा अपना हाथ तो दिखाओ मुझे, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है। अरे दिखाओ तो। ये क्या है? अरे खोल के तो देखो। सुंदर हार मेरे लिए, पर ये तो बहुत महंगा लगता है। महंगा तो है पर तुमने ये कैसे? अरे वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल सिर्फ तुम इतना ध्यान में रखना कि अगर कोई तुमसे इस हार के बारे में पूछे तो ये मत कहना कि हार मैंने तुमको दिया है, कहना कि तुम्हारी बुआ जी ने तुम्हारी ननंद के लग्न पे तुमको दिया है, समझी? कुछ ठीक है पर ऐसा क्यों? मुझे सच सच बताओ इतने सारे रुपए तुम्हारे पास आए कहाँ से? अरे बस अब तुम आम खाओ और पेड़ गिनने की गिनती हम पे छोड़ दो। एक मिनट पंडित जी, कितने फेरे हुए? चार फेरे हुए जजमान। फेरों को उल्टा लगाइए, शादी नहीं हो सकती। भारत वापस जाएगी। लेकिन क्यों? लेकिन क्यों के बच्चे, पूरा का पूरा दहेज चोरी हो गया है। हे भगवान, जिंदगी भर की जमा पूंजी मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। बंद करो, बंद करो अपना नाटक। जिंदगी भर की जमा पूंजी, जिंदगी भर की जमा पूंजी, अच्छा तरीका ढूंढा है तुमने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को बचाने का? ये क्या कर रहे हैं आप? मैं क्या कर रहा हूँ? बाहर आओ, दिखाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। समझी जी रुक जाइए, समझी जी रुक जाइए, फलो कर दो करेगा। मुझे हुआ क्या बताइए तो सही। बड़ा होकर के हीरो बनने की कोशिश मत करो। चलो सारे बाराती वापस। समझी जी ये अरे चोर पकड़ा जाएगा। समझी जी रुक जाइए, हम आपको जाने नहीं देंगे यहाँ से। चोरों के घर रिश्ता तोड़ा है हमने, हटो। हेमंत पुलिस। अच्छा ये चाल खेली है तुमने? पहले दहेज का सामान पैक करवाया और जब लग रहा है कि सामने वाली पार्टी इतनी बेवकूफ नहीं है, आसानी से मानने वाली नहीं है, पुलिस को बुलवा लो, धमकी दे डालो ताकि अपनी बेटी हमारे गले में सको। सुन लीजिए समधी जी, मालनी हमारी बेटी है,
कोई सर का बोझ नहीं जो किसी के भी सर मर दूं। लग तो ऐसा ही रहा, कंठ से पहले आवाज नहीं निकल रही थी, गिड़गिड़ा रहे थे हमारे सामने और पुलिस को देखकर के हालत में जान हो रही है। ये बड़े भाई साहब है, शादी के लिए आए। क्या बात, एकदम फेरों के समय में तो पहुंचा हूं यहां। लगता है या तो पूरा विदाई का माहौल दिख रहा है। क्या बात, क्या मालिनी? मालिनी कहाँ है? अच्छा, यहाँ सब मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं क्या? अरे वो दरअसल मंत्री जी की रैली थी, मथुरा जाना पड़ा, इसलिए थोड़ा आने में देरी हो गई। लेकिन प्रमोद क्या हो रहा है यहाँ? मैं बताती हूँ। शादी में अप्रिय घटना घटने की खबर हमें समाचारों से मिलती रहती है। दुर्भाग्यवश इस शादी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी पुलिस के एक आला अधिकारी का इस घटना के तुरंत बाद यहाँ पहुँचना। लेकिन कुछ ही देर में इस बात का खुलासा भी हो गया कि एसपी अजय माथुर इस परिवार के ही सदस्य थे और वो बिल्कुल सही वक्त पर यहाँ पहुँचे थे। दहेज के पैसे और कीमती जेवर चोरी हो चुके थे और लड़के वाले इसे लड़की वालों की चाल बता रहे थे, लेकिन ऐसे में वो पुलिस वालों को देख कर और भी नाराज हो गए। आखिर सच्चाई क्या थी? क्या सच में चोरी हुई थी या फिर नाटक किया जा रहा था? अगर सच में चोरी हुई थी तो चोर कौन था? क्या बारातियों में से कोई, या फिर लड़की वालों के मेहमानों में से कोई, या फिर किसी तीसरे आदमी ने ही इस चोरी को अंजाम दिया था? ये क्या सुन रहा हूं मैं? मेरी मालिनी की शादी में दहेज? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या कमी है हमारी मालिनी में? इस शादी में रुपया देने की जरूरत पड़ गई? बेटी है हमारी, हमारे घर का गहना है। इतना बड़ा गहना दान में दे रहे हैं इनको, जब खुद पे भरोसा नहीं तो कम से कम उस पर तो भरोसा कीजिए। शर्म आती है हमारे परिवार में। जिस प्रथा को कानून ने जुर्म करार दिया है उसे खुलेआम सहारा दे रहे। जिस दिन ये लोग हमारी बेटियों को दहेज के लिए मार देंगे उस दिन हाथ जोड़ कैसे खड़े होंगे? खैर, चोरी हुई है, चोर भी पकड़ा जाएगा और सामान भी बरामद होगा, और मेरी इजाजत के बगैर कोई यहां से जगह छोड़कर नहीं जाएगा। हेलो सिंह, टीम लेकर तुरंत यहां पहुंचो। देखिए, हमें यहां से जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि आप हमें यहां रोक सके। देखिए, कानून मत सिखाइए मुझे। देखिए एसपी साहब, हम ऊंचे खानदान के शरीफ लोग हैं, ये लड़की वाले की ही साजिश है हमें फंसाने के लिए, और आप बिना वजह हमें ऐसे परेशान नहीं कर सकते हैं। मालिनी के ससुराल वाले हैं भाई साहब ये। वो दिन के तेवर देख के समझ में आ गया था। प्रमोद, सामान कितने थे? करीब 6 लाख कैश और 4 लाख के जेवर। भाई वाह, 10 लाख का नुकसान खाकर भी चुपचाप यहां से निकल रहे हो, वाकई बहुत शरीफ। सुनो, मैं भी तुमको शराफत से समझा रहा, चोरी हुई है यहाँ 10 लाख का माल, और मैं यहाँ का एसपी हूँ, समझ गए? और कान खोलकर सुन लो सब कोई, जब तक मेरी तफ्तीश पूरी नहीं होगी यहाँ से कोई नहीं लेगा, तब उधर जाकर बैठो। सुनो, यहाँ तो मामला हद से ज्यादा बढ़ गया है, तुम ऐसा करो चुपचाप यहाँ से निकल लो। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझे यहाँ की सारी खबर देती रहना। वो सब मैं बताती रहूंगी, तुम अभी जाओ यहाँ से, जाओ। अबे चोरों की तरह कहाँ भाग के जा रहा है, चल। अरे भागने की कोशिश कर रहा था। अरे तो दिखने में तो बेटर और चोरों जैसी हरकत। सुनो, बाहर जाने के सारे रास्ते सील कर, कोई भी यहाँ से बाहर न जाने पाए, और हाँ इसका इलाज करो, जरूरत पड़ेगी इसकी। जी सर, चल चल जल्दी। ये हमारे पड़ोसी सजल कुमार, ये दोनों मेरे ऑफिस के कलीग हैं। ये मेरे भाई श्याम सुंदर, ये मेरा दोस्त है राहुल, ये दोनों मेरी बहनें, ये भी मेरे साथ है संदीप। सिंह। जी सर।
पूरी जगह की ढंग से तलाशी लो, चाहे सामान अभी भी यहां से बाहर ना निकला हो। जाओ। ठीक है। पेचीदा होते जा रहा है। सुनो, शादी का जो वीडियो शूट कर रहा था ना, उसको यहाँ लेकर आओ तुरंत। इतने सारे लोगों में से चोर कौन हो सकता है ये जानना मुश्किल था, लेकिन इतना तो तय था कि चोर हो न हो इस वक्त वही मौजूद था। साथ ही भाई साहब के अनुभव और तेज तर्रार दिमाग में हर मसले का हल था। उन्होंने शादी के वीडियो बनाने वाले से फुटेज निकलवा कर ये जानने की कोशिश की कि वो कौन कौन थे जो फेरों के दौरान वहाँ मौजूद नहीं थे, क्योंकि अपराधी उन्हीं में से कोई था जो फेरों के दौरान पैसों और कीमती जेवर पर अपना हाथ साफ कर रहा था। काम करो सिंह, ये सब को यहाँ लेकर। ठीक है सिंह, तुम जाओ। हेलो, हाँ मैनेजर साहब, अब सॉरी इतनी रात को आपको तकलीफ दी, दरअसल एक जरूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अगर आप जल्दी बताएंगे तो शायद इस केस में हमें मदद मिल जाए। अरे भाई साहब, बस कुछ टाइम दीजिए, इन्फॉर्मेशन के साथ कॉल बैक करता हूँ। जी जी, ओके, थैंक यू। भगवान, सर फटा जा रहा है। अम्मा, अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं? ठीक हूँ, भूख सी लग रही है, मैं तो रबड़ी खाऊंगी। माँ, घर में चोरी हुई है, शादी रुक गई है यहाँ। आपने किसी को कमरे में आते हुए देखा क्या? नहीं तो, भूख सी लग रही है बेटा, रबड़ी ला दे। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, क्या करूं? लगता है इनका क्लोरोफॉर्म का नशा जो अभी तक उतरा नहीं। हेलो, हाँ मैनेजर साहब, तुम में से हर कोई थोड़ी देर के लिए से, लेकिन फेरे के समय गायब थे। मैंने वीडियो देखा है। अब सब कोई सच सच बोलो, नहीं तो हवालात में ले जाकर सच उगलवाऊंगा। बोल। नहीं 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 सर, हम पूरे समय वहीं थे, हम सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहे थे। और हाँ, हम मानते हैं कि आपने हमें तब नहीं देखा होगा जब हम वीडियो वालों को कोल्ड ड्रिंक देने गए, और आपको हमारा विश्वास नहीं है तो आप पूछ सकते हैं सर। तो सर वो ठंड बहुत थी और राजेश दारू चाह रहा था, तो सर मैं तो बस वही लेने गया था, और उसके बाद तो सर मैं पूरा टाइम वहीं पर था। आपने देखा ही होगा सर। देखिए एसपी साहब, मैं आपसे कह देता हूँ, आप जो ये मेरे परिवार वालों को बार बार तंग कर रहे हैं ना, ठीक नहीं होगा। मैं आपके ऊपर हैरेसमेंट केस दर्ज करवाऊंगा। और मैं तुम पे डाउरी डिमांड का। कहा था ये बता, कहा था तो? अरे मैं बाथरूम गया था, उसके लिए कोई दिन और रात तय होता है क्या? सही समय पे सबको बाथरूम लगता। और तुम? देखिए भाई साहब, मैं चोर नहीं हूँ, अच्छा खासा बिजनेस है हमारा, बीवी है, बच्चे हैं। बोल। बोल। सच बोल। बोला। वो मेरे मन में थोड़ा लालच आया था, और उसी लालच के चलते मैं दहेज वाले रूम में गया था। मैंने सोचा कि थोड़ा कैश ले लेता हूँ, तो मैंने वहाँ देखा कि अम्मा जो है वो जेवर और दहेज के पास सोई हुई। मैंने सोचा कि मौका अच्छा है, मैं कैश लेकर निकल लेता हूँ। तभी दरवाजा खुलने की आवाज़ आई और मैं घबराकर पर्दे के पीछे छिप गया, और मौका पाकर मैं वहाँ से निकल गया। लेकिन मैंने चोरी नहीं की है। अच्छा तो कौन था उस वक्त जो कमरे में आया था? Thank you.
ओ, वेटर। कुछ पे तो मुझे पहले से ही शक था। बता, तूने चोरी क्यों की? सर मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। सर मैं पैसा चुराना तो जरूर चाहता था, लेकिन सर अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी मीना के लिए। मीना के लिए? छोड़ दीजिए उसे। तो ये चक्कर है। अच्छा चलिए बता, तू मीना के लिए पैसे क्यों चुराना चाहता? बाहर। सर मालिनी दी के ससुराल वालों की मांग पूरा करने के लिए। मीना के बाबूजी, इसकी शादी का पैसा भी इसी शादी में लगा देना चाहते थे, पर सर हमारी शादी भी बिना दहेज के पूरी नहीं हो सकती थी। मेरे बाबूजी दहेज जरूर मांगते, पर अगर सब कुछ इसी शादी में लग जाता तो हमारी शादी तो कैंसिल। इसलिए मैंने सोचा कि इसलिए तूने अपने बाप से दहेज ना लेने की लड़ाई लड़ने से अच्छा चोरी करना समझा। सर, मैं तो सिर्फ सर कमरे में घुसा ही था, तभी मीना आ गई पीछे से। सर अरे मीना तू यहाँ क्या कर रही है? अरे मैंने तो छत पे बुलाया था ना तुझे मिलने के लिए। मीना? हाँ। मीना तूने तो खबर दी थी ना कि घर में चोरी हुई है। आप मुझ पे गलत शक कर रहे हैं भाई साहब, मैं तो छत पे ही जा रही थी, लेकिन फिर जब मैंने रतन को कमरे में देखा तो मैं अंदर आ गई, यही सोचते हुए कि वो शायद वहीं मिलना चाहता है। पर इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछती, वहां किसी के आने की आहट हुई और हम दोनों बिस्तर के नीचे छुप गए। फिर मैंने देखा कि वो प्रमोद भाई थे। ये देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, अगर वो मुझे और रतन को एक साथ देख लेते तो पता नहीं क्या करते। गजब मेल हुआ है दोनों खानदानों का, सब के सब एक से बढ़कर एक, और रिश्तेदारी हमको निभानी पड़ रही। अब रबोत तुम्हारा क्या खुलासा है? भाई साहब, बाबा ने मालिनी की शादी के लिए अपनी जीवन भर की सारी कमाई लगा दी थी, यहां तक कि हम पुष्पा के लिए एक नया जेवर भी नहीं खरीद पाए। वो रोज हमें किसी ना किसी बात पे ताना देती थी, हमें लगता था कि हम निकम्मे हैं, अपनी जोरू को खुश नहीं रख सकते, इसलिए हमने बनिए से 10 दिन की उधारी पर वादा करके उसे एक नया हार तो ले दिया, लेकिन जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। इतनी उधारी हम कैसे चुकाते, इसलिए अपने ही घर में अपनी कमाई की चोरी करने की ठान ली। बस कुछ 50,000 की जरूरत थी उस कैश में से, हमें लगा कि भूले के बाप ने पैसे तो गिन ही लिए, डोली से पहले कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन सारा बना बनाया प्लान चौपट हो गया। क्यों? फरहाद घर के मैनेजर से बात हुई थी कि शादी से पहले ही आधी पेमेंट हो जानी चाहिए। हेलो, अरे रुको, लाइट मत बंद करो, मैं अभी आकर आपको 10,000 रुपये कैश चुकाता हूँ। देखिए बारात आ चुकी है और इस वक्त फेरे चल रहे हैं, और इस तरह से अगर आप हमारे बारात घर की लाइट बंद कर देंगे तो हमारी तो समाज में नाक कट जाएगी ना। देखिए प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। हाँ ठीक है, मैं अभी आकर आपको देता हूँ। लेकिन श्रीवास्तव साहब की बढ़ती डिमांड के कारण आधी पेमेंट नहीं हो पाई, बस कुछ 30,000 ही हाथ में बचे थे। हमें लगा कि श्रीवास्तव साहब की डिमांड और ना बढ़ जाए, इसलिए हमने वो पैसे अलग रख दिए थे, लेकिन बारात घर के मैनेजर की धमकी को शांत करने के लिए हमने उसमें से 10,000 चुका दिए थे। कहानी पे कहानी, एक से बढ़कर एक स्क्रिप्ट राइटर है। मीना, तुम्हें कैसे पता चला कि घर में चोरी हुई है? कि इस घर में किसी ने भी चोरी नहीं की तो कहीं। अरे नहीं भाई साहब, हम क्यों ऐसा करेंगे, वो तो जब प्रमोद भाई कमरे से निकले तो हम और रतन भी बिस्तर के नीचे से,
और हमने एक टक भी नहीं देखा कि वहाँ सामान था या नहीं, पर बाहर से मेहमानों का शोर सुनाई दिया तो हम सोचे कि बालकनी की ओर से भाग जाए। रतन तो लपक के एक ही बार में कूद गया, पर हम लहंगा पहने थे इसलिए नहीं कूद पाए। फिर हम जब कमरे में वापस आए तो हमने देखा कि कैश बॉक्स खुला पड़ा था और उसमें पैसे भी नहीं थे, जेवर के भी सभी डिब्बे खाली पड़े थे। हमारा शक तो प्रमोद भाई पे गया, लेकिन हम क्या बोलते, भाई हैं हमारे, इसलिए हम चुपचाप पापा को खबर करने चले गए। सभी के पास चोरी का अपना अपना मकसद था और सभी की अपनी अपनी कहानियां जो उन्हें निर्दोष साबित करती थी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं था कि वो जो कह रहे थे वो सच हो। सच्चाई कहीं तो छुपी थी, लेकिन कहां? इस राज पर से पर्दा उठाना अब भाई साहब के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। मैंने तुम सब लोगों की बातें सुनी, लेकिन इस सच में कौन सच बोल रहा है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि घर में चोरी तो हुई लेकिन चोर कौन पता नहीं। वैसे एक तरीका और है, जब तक ये तफ्तीश पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं आप सब लोगों को गिरफ्तार कर लूंगा। वैसे एक और तरीका है, अगर आप सब लोग मेरी मदद करें इस केस को बंद करने में। अगर कैसे? आप सब लोग मुझे 15,000 रुपए दे दें। वो इसलिए कि भाई मैं अपने टीम को खिला पिलाकर इस केस को चुपचाप बंद करवा दूं, नहीं तो मजबूरन मुझे केस बनाना पड़ेगा और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सोच लो, आराम से सोच लो। मन में चोर तो है तुम्हारे, इस बार तो छोड़ दिया। चोरी का विचार चोरी करने समान ही होता है। जाओ अपनी बहन को संभालो, उधर जाओ। और तू मीना, तुझे यही दब्बू मिला था प्यार करने के लिए? तुम्हारे पास ये पैसे कहां से आए? मैंने अभी भैया को फोन करके जगाया था तो वे ही देके गए। क्या यहाँ खड़े? जब मीना के साथ डोरे डालने की सजा तो मिलेगी ना बच्चे? बाकी क्या आपको घर पहुंचते ही दे देंगे? तो हम चलते हैं। भाई साहब, वो दहेज के पैसे, वो जेवर, उस चोर का क्या होगा? मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी वो, मैं बर्बाद हो गया भाई साहब। जब आप दहेज दे रहे थे तो ये सारी चीजें नहीं सोचे? अभी चिंता मत करो, एक एक पैसा वसूल करूंगा लोगों से। क्या दोस्तों जी, नहीं कहा ना, अरे कच्चे खिलाड़ी निकले, चोरी किए हुए कैश से ही पुलिस को रिश्वत दे रहे थे। दहेज के लिए निकाले हुए कैश की पूरी सीरीज मंगवाई थी हम, उल्लू समझ के रखा तुम दोनों ने। बोल सच क्या है? सर, हम लोगों ने चोरी की है सर। राजेश के दोस्त होकर भी? राजेश तो हमें अपनी बैचलर पार्टी ऑर्गेनाइज करने के सिलसिले से मिला था और हमें तभी पता चल गया था कि वो अपने बाप से छुपकर ये सब पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। हमने देखा कि पार्टी अच्छी है और पैसा निकालने के लिए दोस्ती करना जरूरी है, तो हमने उसे उस पार्टी में बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया। उसने नशे की हालत में हमें ये भी बताया कि उसे दहेज में 10,00,000 कैश और बहुत सारा जेवर मिलने वाला है, तो हमने उससे दोस्ती कर ली। इसी बहाने हमें उससे शादी का इन्विटेशन कार्ड भी मिल गया। हम उसके घर में इस तरह से घुल मिल गए जैसे उससे बरसों से पहचानते हो। और शादी में
फेरों के वक्त हम मौका देखकर रिवर वाले कमरे में घुस गए। वहां दादी को सोता हुआ पाया, सारे कैश और जेवर लेके वहां से निकल गए। इससे पहले कि हम सबकी नजरों से बचते हुए वहां से निकलते, अजेश ने राहुल को रोका और शराब की मांग की। इतने में मीना वहां चोरी की खबर लेकर पहुंच गई। हम लोग डर गए थे कि अगर अब यहाँ से भागेंगे तो शक हम पर ही होगा, इसलिए हम लोग यहीं रुक गए। लेकिन तब तक आप यहाँ पहुंच गए। सिंह, लेके जाओ इन दोनों को। दिमाग है लेकिन गलत चलता है। कोर्ट में भेद पड़ेगी तो सब समझ में आ जाएगा। चल। तो अब हम लोग जा सकते हैं? जाइए, बस में जाके बैठ जाइए। शुक्रिया। किस बात? भाई बस तो सीधा पुलिस स्टेशन जाएगी। भाई अपने डिमांड्स की खातिरदारी तो ले लो, सरकारी मेहमान बनकर। क्या मतलब? ये तो कोर्ट जाके ही पता चलेगा कि किस दफा और कौन सी सजा मिलेगी तुम सब लोग को। दहेज लेना और दहेज देना दोनों कानून के खिलाफ। जाइए, जाके बस में बैठ जाइए। अतो इधर तू भी जाके बैठ। चोरी का विचार तो तेरे मन में भी आया था ना? हाँ, तेरे पापा को ही बुला लेना। जब तेरी भलाई होगी ना तो तेरे पापा जो है दहेज लेना भूल जाएंगे। चल जाए यहाँ से। ये चोरी की कोई साधारण सी वारदात नहीं थी और ना ही ये लड़ाई दो चोरों के खिलाफ थी। ये लड़ाई थी एक पुरानी कुरीति के खिलाफ, एक ऐसी कुप्रथा जिसकी जड़ में सिर्फ और सिर्फ लालच है और हर रोज कई मासूम लड़कियां इसका शिकार बनती हैं। राजेश के दोस्त राहुल और संदीप को चोरी के आरोप में आईपीसी की धारा 379 के तहत 3 साल की सजा हुई और साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ा। वहीं दूसरी ओर दोनों ही परिवारों को दहेज के लेन देन के जुर्म में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के सेक्शन 3 के तहत 5 साल की सजा हुई और 1-1 लाख का जुर्माना भरना पड़ा। बेटी की शादी के वक्त की जा रही मांगों को पूरा करने से पहले जरा सोचिए कि आप अपनी बेटी को किनके हाथ में सौंपने जा रहे हैं। पैसों से रिश्ता जोड़ने वाले आपकी बेटी को प्यार और इज्जत कैसे दे सकेंगे? साथ ही शादी के समारोह में सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर ही लोग अपराध को अंजाम देते हैं, जैसा कि इस घटना में हुआ। तो सतर्क रहिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।